मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर सेबी से, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना नया चेयरपर्सन को सेलेक्ट किया है, माधवी पुरी बुच। वो फर्स्ट वुमन होगा जो सेबी को हेड करेगा। इससे पहले अजय त्यागी जी थे जो सेबी को हेड कर रहे थे। माधवी पुरी बुच का 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अलग अलग कमिटीज सेबी में उन्हें हेड किया है। उन्होंने अपना करियर ICICI बैंक से शुरू किया है और वो वहाँ पर MD और CEO भी रह चुके हैं ICICI सिक्योरिटीज के। वी विश माधवी पुरी जी ऑल द बेस्ट फॉर हर न्यू असाइनमेंट। अगला खबर ग्लोबल मार्केट से। जैसे आप सबको पता ही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और ये वॉर के चलते ऑयल प्राइसेस का प्राइसेस काफ़ी हाई हो गया है। कुछ दिनों पहले ऑलरेडी $100 पर बैरल भी टच किया था, अभी यस्टरडे $98 के आसपास क्लोज हुआ है। जब भी ऑयल का प्राइसेस हाई होता है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ों का प्राइसेस हाई हो जाता है और जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो लोग स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे टाइम में स्टॉक मार्केट्स को अपने लेवल्स को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो 2.9% का फॉल हुआ था US मार्केट्स में। अब इसे हम अभी के लिए तो करेक्शन बोल सकते हैं क्योंकि छोटा छोटा सा फॉल हो रहा है, लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये करेक्शंस रिसेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। अगला खबर वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरु वॉरेन बुफे के तरफ से। बर्कशायर हैथवे ने $144 बिलियन कैश में मेंटेन किया है या कैश इक्विवेलेंट में रखा है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, जो इमीडिएटली जिसे एनकैश किया जा सकता है। अजीत जैन जो है वो हो सकता है बर्कशायर हैथवे का अगला CEO बने, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन वॉरेन बुफे उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनके स्ट्रैटेजीज मैच करते हैं बर्कशायर हैथवे के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस न्यूज़ का ये है कि जब मार्केट्स इस तरीके से वोलेटाइल होता है तो हमें एज एन इन्वेस्टर होशियार रहना है और ऐसे सिचुएशन में कैश रिजर्व में अगर हम बैठेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सेफ होता है और हम मार्केट्स में आने वाले बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगला खबर सेंसेक्स से। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है। कल भी मार्केट्स ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स से नीचे शुरू हुआ और जब क्लोजिंग हुआ तो 380 पॉइंट्स के आसपास ऊपर क्लोज हुआ। टाटा स्टील 6% हाई था, रिलायंस 3% हाई था। इसका मेन रीज़न यही है कि रशिया में वॉर चल रहा है और अभी रशिया और यूक्रेन ने डिसाइड किया है कि वो लोग बातों से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स ग्लोबली चलता है तो मार्केट्स में ये उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता है। ऐसे सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है, ऐसे सिचुएशंस में हमें अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड करना है और बस मार्केट सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करते रहना है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये 5 स्टॉक्स हैं जिसने अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज़्यादा गेन किया और ये वो 5 स्टॉक्स है जिसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया। इंडियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट का लेटेस्ट अपडेट। यस्टरडे जब मार्केट्स क्लोज हुआ तो सेंसेक्स 388 पॉइंट्स अप, निफ्टी 135 पॉइंट्स अप, USD/INR 0.04 रुपीस अप एंड गोल्ड जो था 884 रुपीस अप क्लोज हुआ। आज सवेरे निकी इंडेक्स जो है 331 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है, शंघाई 10 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है एंड सिंगापुर इंडेक्स 52 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में जब हम निफ्टी चार्ट्स को देखते हैं तो निफ्टी चार्ट्स ने अपना पुराना जो सपोर्ट था 16,900 का, उसको ब्रेक किया, 16,400 के सपोर्ट जोन पे आया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं 16,400 से बाउंस बैक करके वो 16,900 के रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका है। अगर आप देखेंगे तो अभी चार्ट्स एक
डाउन ट्रेंड का एक चैनल जैसा बनाया है। अगर चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से 17,700 का जोन पे जा सकता है, वरना ये नीचे की तरफ अगर मूवमेंट करेगा तो पहला ऑफ कोर्स उसका सपोर्ट होगा 16,400 एंड देन उसका नेक्स्ट सपोर्ट नीचे होगा 15,750 का। देखते हैं मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करता है। स्टॉक पिक ऑफ द डे में मैं चूज करता हूँ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये एक 4 घंटे का चार्ट है। इस चार्ट में जैसे आप देख सकते हो कि 200 एंड 205 का एक जोन बना है जो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। प्रीवियसली भी वहाँ पे अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना है। मार्केट अभी भी उसी प्राइस जोन पे आया है। तो यहाँ पे अगर आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में दिखेगा तो आप यहाँ पे एक बाय ले सकते हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 180 का और आपका टारगेट होगा 270 से 275 का जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माई फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।